अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। सो ओपन योर SST टेक्स्ट बुक्स। कल हम लोगों ने यहाँ तक सैटेलाइट्स तक पढ़ा था, नाउ वी हैव टू रीड द अर्थ। द अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो हमारा सोलर सिस्टम का फिफ्थ प्लैनेट है। इट वॉज क्रिएटेड अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो क्रिएट हुआ था। इट्स डिस्टेंस फ्राम द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। इसका जो है अर्थ का सन से डिस्टेंस तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स है। सनलाइट रीचेज अवर प्लानट इन अबाउट 8 मिनट्स। सन से जो सनलाइट हमारी ज़मीन तक पहुँचती है वो तकरीबन 8 मिनट में पहुँचती है। अर्थ इज़ अ जर्मैनिक वर्ड। अर्थ जो है वो जर्मैनिक वर्ड है, मीनिंग द ग्राउंड, इसका मतलब है ग्राउंड। इट्स सर्फेस कंजिस्ट ऑफ माउंटेन्स। अर्थ की जो सर्फेस है उसमें हमें पहाड़ मिलते हैं, वैलीज़ वादियाँ मिलती हैं, प्लेन्स सीधी जगह, ओशंस जो हैं वो समंदर एंड मैनी मोर और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। अर्थ की शेप जो है वो गोल है। इट इज़ फ्लैट, ये फ्लैट है एट द पोल्स, यानी कि जो इसके पोल्स हैं इससे ये फ्लैट है। एंड बल्जेज एट द इक्वेटर, और जो इक्वेटर है उस पर ऐसे बल्ज हैं इसके अर्थ के, ड्यू टू द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है। नेक्स्ट इज़ द एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ राउंड विच इट स्पिन्स। यानी कि एक्सिस उन्होंने कहा है कि एक इमेजिनरी लाइन साइंटिस्ट ने बनाई है कि अर्थ वो वाली लाइन जिसके इर्द गिर्द अर्थ जो है वो स्पिन करती है। द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड टुवर्ड द सन एट एन एंगल ऑफ 23.44 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। उन्होंने कहा है कि अर्थ जो है वो सीधी नहीं होती, वो सन की तरफ ऐसे टिल्ट होती है, सन की तरफ 23.44 डिग्री से वो टिल्ट होती है, यानी कि थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज़ 40,400.30.2 किलोमीटर्स। इट्स टोटल सर्फेस एरिया इज़ 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ने कहा है कि जो सर्कमफ्रेंस है अर्थ का वो 430.2 किलोमीटर्स है, और इसकी टोटल सर्फेस एरिया जो है वो 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग। अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ ऑफ टू टाइप्स। अर्थ की मूवमेंट टू टाइप्स की होती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। अब आप पढ़ते हैं कि रोटेशन क्या होती है। हैव यू सीन अ टॉप स्पिन? इट स्पिन्स ऑन इट्स स्पिंडल लाइक अ टॉप। द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स पोलर एक्सिस अराउंड द सन। उन्होंने कहा है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द यहाँ पर सन के इर्द गिर्द घूम रही है। ये हो गई है अर्थ की रोटेशन। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ की जो स्पिनिंग उसकी रोटेशन के इर्द गिर्द है वो है रोटेशन। इट कम्प्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन 23 hours 56 minutes and 4 seconds। अर्थ जो है वो अपनी रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में कम्प्लीट करती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट एट द स्पीड ऑफ 1675 किलोमीटर्स पर आवर। अर्थ जो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है वो 1675 किलोमीटर्स की स्पीड पे मूव करती है, रोटेट करती है, सॉरी। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ की जो रोटेशन है वो डे और नाइट, अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट आता है। दिन और रात जो है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से आता है। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे एंड द पार्ट ऑन द अदर साइड एक्सपीरियंसेस नाइट। उन्होंने कहा है कि अर्थ जो है अर्थ की स्पिनिंग की वजह से, यानी कि अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे इस तरह स्पिन कर रही है, जैसे आपने देखा है कि बॉल स्पिन कर रही होती है, इस तरह उन्होंने कहा है कि अर्थ जो है वो स्पिन कर रही होती है, और स्पिनिंग की वजह से जौन सा एरिया सन के सामने जाता है वहाँ पर दिन होता है, और जो एरिया सन के पास नहीं होता उस तरफ रात होती है। तो इस तरह रोटेशन की वजह से दिन और रात तब्दील होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब जो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो घूम रही है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ मूव्स काउंटर क्लॉक वाइज अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 1,77,000 किलोमीटर्स पर आवर। उन्हें कहा है कि 1,77,000 किलोमीटर पर स्पीड की पर स्पीड पे ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस शेप में होता है, सीधी तरफ। जिस तरह हम आप क्लॉक को देखो जिससे क्लॉक चलती है, तो उन्होंने कहा है कि क्लॉकवाइज जो है ये रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द। द अर्थ कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन अबाउट 365 days and 6 hours। अर्थ जो है वो अपना एक जो रेवोल्यूशन का पीरियड है वो तकरीबन 365 days में कम्प्लीट करती है। टू कीप द कैलेंडर इन ट्रैक
1 year is considered as 365 days. इस वजह से जो हमारा कैलेंडर है उसमें 365 days आते हैं. Every 4 years, 6 hours a year add up to make 1 day. उन्होंने कहा है कि हर 4 साल के बाद 1 साल को बनाने के लिए 1 साल के अंदर 6 hours को add कर दिया जाता है. We call it a leap year और हम उस year को leap year कहते हैं जिसके days होते हैं 366 days. उन्होंने कहा है कि हर 4 साल के बाद 1 साल के जब revolution उसकी complete होती है उसमें 6 घंटे और add कर दिए जाते हैं जिसको हम लीप ईयर कहते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रिमेन टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. उन्होंने कहा है कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है और थोड़ी सी टिल्ट है यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी है. ड्यू टू दिस डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ रिसीव्स मोर और लेस सनलाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ ईयर इट गिव्स अ सीजन. और इस वजह से क्योंकि ये टिल्ट है अर्थ टिल्ट है और इस पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से सनलाइट पड़ रही है उस हिसाब से फिर इसके सीजन्स अर्थ के चेंज होते हैं. नाउ हम लोगों ने आज पढ़ा है टॉपिक अर्थ और मूवमेंट ऑफ द अर्थ. नाउ यू हैव टू कम एट द एक्सरसाइज पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 का हम लोगों ने आज क्वेश्चन करना है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. ठीक है, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है. इसका आप लोगों का आंसर जो है वो है पेज नंबर 4 पे. पेज नंबर 4 पे आप लोगों ने ये जो रोटेशन वाला आप लोगों का टॉपिक है इस पर आप लोगों ने यहाँ द स्पिनिंग से शुरू करना है. द स्पिनिंग से लेकर एक्सपीरियंसेस नाइट, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है. द स्पिनिंग से लेकर एक्सपीरियंसेस नाइट तक. ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने ये करना किस तरह है. आप लोगों का ये नोटबुक का पेज है. नोटबुक के पेज पे आप लोगों ने इस वाले पेज पे टाइटल पेज बनाना है जिस पे आप लोगों ने चैप्टर का नेम लिखना है. नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर लिखना है लॉन्ग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट्स ऑन द अर्थ. उसके बाद आप लोगों ने यहाँ आंसर लिखना है और यहाँ पे आप लोगों का पूरा आंसर आना चाहिए. आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्लू पॉइंटर और ब्लू मार्कर यूज़ करना है. ब्लैक मार्कर या इंक पेन आप लोगों ने यूज़ नहीं करना. ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है. ओके, अल्लाह हाफिज़.